और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज प्रोग्राम है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब बाय ट्रेनिंग सच अ वंडरफुल स्टूडेंट्स, यूथ जो हमारी है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारा सब कुछ है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं, उनको स्किल दे रहे हैं. इट्स अ वंडरफुल जॉब दैट दे हैव डन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस पेशावर सीईओ साहब, इनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने 1000 स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन दी, जो एक ऐसा स्किल उनको दिया 11 ट्रेड्स में जो वो करना चाहते थे. और आपको मैं बताता चलूँ कि सिर्फ डिग्री लेना उससे तब्दीली नहीं आएगी, उससे काम बेहतर नहीं होगा, आपकी जिंदगियां नहीं बदलेंगी. बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज को अगर आप देखें पूरी दुनिया में जहां पे भी हो, ज्यादातर हुकूमतें वहां पे फोकस कर रही हैं कि वहां को टेक्निकल एजुकेशन उसको फोकस किया जाए, उनको स्किल दिया जाए, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता जो वो अपने ड्रॉवर्स में रखते हैं, बल्कि ऐसा हुनर, ऐसा नॉलेज, ऐसा स्किल उनके पास होता है जब वो बाहर निकलते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं. और वो इंडस्ट्री में या किसी और कोई किसी भी इंडस्ट्री में वो जाके फिट हो सकते हैं, वहां पे डिलीवर कर सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं. इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पहली दफा हमारे पास यहाँ पे 107 टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जिसकी कारकर्दगी बहुत खराब. हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको फोकस किया हुआ हमने उसको, ताकि हम अपने जवानों को स्किल्ड दे सके, स्किल्ड एजुकेशन दे सके और ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके जो हमारी जरूरत है या जो दुनिया की जरूरत है. आईटी को अगर आप देख लें, पूरी दुनिया आईटी पे शिफ्ट हो रही है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, पूरी दुनिया नई तरीकेकार अडॉप्ट कर रही है ताकि जिंदगी आसान हो, यूथ उनकी ट्रेन हो, उनकी जिंदगियां बदल गई. रातों रात लोगों की जिंदगियां बदल गई, कौमों की जिंदगियां बदल गई बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. हमारे यहां वही रिवायती हिसाब किताब, वही रिवायती तरीकेकार, वही फाइलें, वही तालीमी निजाम जो हम बेहतर करना चाहते हैं, जिस पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काम कर रही है. और एजुकेशन सिर्फ नहीं चाहिए हमारे लोगों को, हमारे यूथ को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए ताकि उनकी जिंदगियां बदल सके. अगर डिग्री मेरे पास है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, जिस तरह सीईओ साहब ने मजे की बात की कि अब पूरी दुनिया में हमें मार्केट जगह मिल गई है कि हम अपने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से उठा के बाहर की दुनिया में ले जा सके, तो वो इसके लिए नहीं है कि जहां पर पाकिस्तान का लेबल लगाओ या कि लेबल लगाओ कि ये चीज ये पाकिस्तान से आई है ये बिकेगी यहां पे, नहीं. क्वालिटी, क्वालिटी पे आप फोकस करेंगे तो दुनिया में आप कंपीट कर सकेंगे. प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो आप दुनिया में कंपीट कर सकेंगे. आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आप कंपीट कर सकेंगे. हमारी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के गल्फ कंट्रीज में जाते हैं जहां पे वो क्या करते हैं, बदकिस्मती से डिग्रियां होती हैं उनके पास, मास्टर्स और बैचलर लेवल की डिग्री, वो ड्राइवर की जॉब करते हैं, वो चौकीदार की जॉब करते हैं. हम क्या चाहते हैं कि इस जगह से इनकी प्रमोशन बढ़े, आगे बढ़े और इनके पास स्किल्ड हो, और ये अगर बाहर की दुनिया में भी जाना चाहे तो इनके पास दरवाजे खुले हों. पूरी दुनिया तरक्की कर रही है और स्किल्ड लोग उनको चाहिए. हमारे नौजवान किसी चीज में भी किसी से कम नहीं है, सिर्फ इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल उसको फोकस किया हुआ कि हम आपको इंशाल्लाह वो अपॉर्चुनिटी देंगे जो पहले यूथ को कभी ना थी. और आपको इंशाल्लाह ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो आपकी और आपकी मुल्क की पूरी की तकदीर बदल सकती है. और आप जहां पर जाएंगे आपकी इज्जत होगी. इस तरह के काम करने चाहिए और तभी जाके मुल्क तरक्की करते हैं. हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला, इकोनॉमी हमारी खराब है, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, हर जगह पे मसाइल है. हमारी यूथ एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, उनको सिर्फ गाइडेंस चाहिए, उनको सिर्फ रास्ता चाहिए कि उनको बताया जाए कि वो यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे